आज हम मानक टबरा गांव में आए हैं, रायपुर रानी के अंदर पड़ता है। और मेरे साथ कुछ युवा हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं और बेचारे बहुत परेशान हैं। और ये लोग काम की बजाय यहाँ वेले बैठे हैं और दिहाड़ी की वेट कर रहे हैं। और पढ़ लिख कर कोई अपने दिहाड़ी लगा रहा है लेकिन दिहाड़ी भी नहीं मिलती। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट वाले इनको दिहाड़ी नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते, बहुत परेशान है। मैं बोलूंगा कि ये युवा क्या भी आप बयान लें जी, क्या कहना है आपका? जैसे ही सर, अब की बार बेरोजगारी की वजह से ज्यादा दिक्कत है, टाइम पे नौकरी नहीं है तो कहीं सरकारी कुछ नहीं है सर। अगर प्राइवेट जॉब करें तो कोई टाइम पे नहीं देता सर किसी भी चीज की। वैसे तो डीसी रेट पे भी यही हाल है सर, वहाँ भी कोई दो दो या तीन तीन महीने किसी की पे नहीं करता है सर, रुकी रहती है, पेंडिंग में रहती है। खेतों की वजह से टाइम पास हो जाता था लेकिन अब की बार बारिश की वजह से भी जिमीदारों का बहुत बुरा हाल है। सारी धान की फसल बेकार हो चुकी है, जैसे कि कोई सब्जी का यहाँ पे काम होता था तो सर वो बिल्कुल बारिश की वजह से नष्ट हो चुका है। सरकार कोई मदद के लिए नहीं आ रही, सरकार कोई भी इस टाइम मदद के लिए किसी के पास कोई भी नहीं आया सर। जो आपकी जरूरत है वो हम पूरी करेंगे। आम आदमी पार्टी हमेशा दिल्ली में और पंजाब में, आप किसी से पूछ लो, आप गूगल पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ, केजरीवाल और भगवंत मान जी के बारे में पढ़ के देख लो आप। उन्होंने जो भगवंत मान जी ने 15 महीने के अंदर काम करा, केजरीवाल ने 10 महीने के अंदर काम करा। 3 बार दिल्ली के लोगों ने हमारी सरकार बनाई, दिल्ली में जहाँ घर है पूरे इंडिया का, जहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। लेकिन केजरीवाल को क्यों 3 बार चुना? इसलिए चुना, उनकी नीयत साफ है, वो नीयत से काम करता है। आप लोग भी एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दो, 2024 की इलेक्शन जिताओ, घर घर में रोजगार देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री लेडीज को किराया देगा, हर घर में रोजगार मिलेगा। तो एक मौका जरूर आम आदमी पार्टी को दे।